रेती स्थित कालीबाड़ी मंदिर के पास हरिचंद गुप्ता के मकान के प्रथम तल पर आज भीषण आग लग गई। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रहे। वहीं दमकल विभाग की दो गाड़ियों ने एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस बीच स्थानीय लोग, नागरिक सुरक्षा समिति व राजघाट थाने की पुलिस भी सहयोग करती हुई नजर आई। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी कोतवाली रत्नेश्वर सिंह ने बताया कि देर शाम राजघाट थाना क्षेत्र रेती चौक के पास अशोक गुप्ता का मकान, जो दो मंजिल का है, उसके पहले मंजिल में आग लगी थी। मौके पर फायर ब्रिगेड और स्थानीय थाने की टीम वहां पर पहुंची। जानकारी में पता चला कि वहां पर साड़ी के कुछ गत्ते रखे हुए थे, उसमें आग लग गई थी। उन्होंने बताया कि कोई जनहानि नहीं हुई है। आग लगने के कारण की जांच के साथ ही आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए क्षेत्राधिकारी कोतवाली रत्नेश्वर सिंह ने कहा, सब गत्ता बा। अरे यार गत्ता लीजिए पानी। अब आप थोड़ा साइड हो जाइए, अब हमको शाम को राजघाट थाना क्षेत्र के रेती चौक के पास अशोक गुप्ता जी का एक मकान है, उसके दो तल्ला मकान है, दूसरे तल्ले पर एक कमरे में आग लगी थी, जिस पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी और स्थानीय थाने की पुलिस पहुंची तो जांच की। उसमें पाया गया कि साड़ी के कुछ गत्ते रखे हुए थे, जिसमें किन्हीं कारणों से आग लग गई थी। आग लगने के कारणों की जाँच की जा रही है और अधिक कार्रवाई की जा रही है।